दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। और मुसलमानियों, सुनो सत्संग जीओ, आशीष बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। वैसे मैं प्रिंसीपल साहब नाल गल कर रहा सी कि सैमीनार नहीं होने चाहिए, मेरी सोच है। विचार गोष्ठ जरूर होनी चाहिए है, प्रोफेसर साहब उद्दोके साहब की भी यही सोच है। इतने आप जिन्हें बैठे हैं ना, हम सारे नहीं है कि आप जफरनामे मन वाले, ये गल झूठ होएगी जी कि मैं कह दिया कि सारे जफरनामे मन वाले बैठे ने। कुछ सज्जन वीर जिन्होंने मेरा बड़ा प्रेम है, वो इदा के भी ने जेडे दसम की बाणी नहीं मनते। कोई गल नहीं, विचार का टकरा है, विचार ही सुलझा इनू आप सुलझा सकते हैं, तलवारा ना तो सुलझा नहीं सकते। ये विचार गोष्ठ इतने अच्छ शुरू हुई है। तो जिमें मोहन सिंह ने दसिया कि पैसे नाल जी कलम है मुड़ जाती है, पैसे नाल कलम रुक जाती है। तो मैनू लगता है कि अज जिहड़ा ये जफरनामे के उपर आप विचार गोष्ठ कर रहे हैं, ये भी उन्हां विद्वाना करके हो रही है जिन्हों की कलम पैसे करके मुड़ गई। इहदियां विचारां सुनिया ने प्रोफेसर साहब को, उद्दोके साहब को, आप क्योंकि उन्होंने बड़ी खोज है। अपने मजमून के उपर कुछ विचार सांझे करन तो पहला मैं एक मिनट तुहाडा लवां। साड़ी बड़ी छोटी जी संस्था है इतिहास, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग आइडियोलॉजी हैरीटेज एंड आर्टिफैक्ट ऑफ सिखिज़म, इतिहास जिदे विच जिन्ने कि वीर असी इतिहास का खोज कार्य करते हैं वो सारे ही आपो अपनी किरत करते हैं। मैं भी इतिहास का डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर ऑफ मैडिसन है, मेरा पेशा मरीज वेखना। बाकी भी जोड़े वीर ने, यह वीर जी जोड़े नाल सिख चैनल का काम भी करते हैं, इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी संबंध रखते हैं, कुछ भीर एजुकेशन के खेत्र के ने, कुछ भैन ने जिड़ियाँ आई टी के होर खेत्र के। साड़ी जथेबंदी का निशाना जोड़ा संविधानक है वह है श्री अकाल तख्त साहब की रहत मर्यादा। असी उस रहत मर्यादा के दायरे के सा कोई भी बुलारा बाहर नहीं जाता। सो इस करके साड़ी शुरू तो यही जी पहुँच रही है कि समुची कौमीयत ने विचार मशवरे तो बाद जिन्हां बाणियां नूं अमृत वेला अमृत संस्कार ते अरदास दा हिस्सा बना लिया है, जेकर अज असी उन्हां बाणियां दे उपर गिनतू करांगे तां आउण वाले समें दे विच कौम दे हालात बिल्कुल उवें दे हो जाणगे जिवें इस्लाम दे विच अज शिया ते सुन्नी दे बणे हुए और विदेशां च बणदे जा रहे ने। उसारू तौर ते बहस करनी कोई माड़ी गल नहीं, किसी भी चीज़ ते कोई गिनतू हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट की जा सकती है, उसारू बहस की जा सकती है। पर जिहड़ा साडा बहस दा अजकल पैरामीटर है, जिस तरह की बहस असीं शुरू कर ली है, उस बहस के नाल साडी भविख की पीढ़ी के विच कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। सो बहुत ही वधिया इन्हां वीरां ने मुद्दा चुने है जिस दे उपर बहस करनी है। मैं मुद्दा शब्द इस करके वरत्या है कि जदों कुछ शब्द बहस गुजरे हो जाते हैं तो उन्होंने बारे कौम च दुविधा पैदा हो जाए ने, तो वह मुद्दे बन जाते हैं। ये मूल रूप से असी इत्थे चर्चा करन दे वास्ते, विचार गोष्ठी करन वास्ते जुड़ बैठे हैं। जफरनामा मूल भाषा फारसी, जिस तरह भाई साहब ने वीर जी भुपिंदर सिंह होने तुहाडे गल की है, एक साडे कोल जिहड़ा हुण तक कौमीयत दे कोल फारसी का इहदा हूबहू जिहड़ा है वह साडे कोल नकल है, जिदे पहले सफ़े के उपर नौ शेयर ने, अगले बाकी सफ़िया के विच इक्की इक्की शेयर ने। एक फारसी का होर नुस्खा खालसा कॉलेज लाइब्रेरी के विच पिया है, कोई 22 खरड़े साडी अपनी लाइब्रेरी के विच पए ने। इहदी शुरुआत किवें हुंदी है, सब तो पहला इस गल ते आईए
दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीना कांगड़ दे विच भाई देसा सिंह दे घर उहदे चुबारे च बैठ के ये जफरनामा लिखते हैं। हुण इहदे तों पहला एक रचना होर लिखी जा चुकी है, दिनां दा बहुत थोड़ा अंतर है पर वह अंतर इतिहास की एडी वड्डी कुंडी खोल दिंदा है ना, हैरान रह जाईदा है। वह रचना है फतेहनामा। जेकर तुसीं पंजाब दी वीर परंपरा के उपर ते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उपर लिखिया किताबों नूं पढ़ो, उहदे विच बहुत सारे विद्वान ते जे मैं नवीनतम विद्वानां दी गल करां ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह एक हवाला दिंदे ने, इतिहासिक स्रोतों तो सिद्ध हुंदा है कि जफरनामे तो पहला एक होर चिट्ठी औरंगजेब नूं जा चुकी सी। उह चिट्ठी किस चीज़ के जवाब च सी? आ जिहड़ा समाणा है पिंड समाणे का रहण वाला सी सैयद जलालुद्दीन, जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के विच तलवार चलाउण की भूमिका निभाई सी। साहिबजादियां नूं शहीद करन दे विच उहदे ही परिवार के विचों सी सैयद साशल बेग ते सैयद बाशल बेग। बंदा सिंह बहादुर के बेटे नूं शहीद करन दे विच उसे ही सैयद खानदान का सैयद। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आनंदपुर साहब घेरा पिया है उस वेले भी जिस कुरान की असी झूठी कसम की गल कर रहे हैं उन्हू लैके जाने वाला सैयद वली हसन काजी। हुण ये भूमिका इत्थे सैयदां ने ही क्यों निभाई? पहला सवाल। कारण जिहड़े सैयद ने इन्हां नूं इस्लाम दे विच हज़रत मुहम्मद साहब की बेटी फातमा के परिवार के नाल जोड़ के वेख्या जाता है। तो जेकर तुसी 14वीं सदी तो लैके एक जफरनामा 14वीं सदी च भी लिखा गया उहदी गल मैं अगे करदा, जेकर तुसी 14वीं सदी तो लैके तो 18वीं सदी तक इस्लाम की शासक परंपरा की गल करो तो राजियां दे दरबार दे विच दो तरह के जलाद होंदे सी, एक सैयद जलाद होंदे सी एक आम जलाद होंदे सी। धार्मिक व्यक्तियों नूं सजा सैयद जलाद दिंदे सी, क्यों? क्योंकि सैयद जलाद जदों किसी धार्मिक व्यक्ति नूं मौत की सज़ा सुनाउंदा है तो वह नाल ही कहिंदा है कि जेकर तू दीने इस्लाम च आ जावे तो बड़ा वड्डा पुन है सवाब है। जदों वह धार्मिक तौर पर उन्हूं धर्म दे विच तब्दील करेगा तो वह भूमिका सैयद जलाद निभा सकता है। जिहड़े आम क्रिमिनल हुंदे सी उन्हां दे वास्ते आम जलाद हुंदे सी। हुण इह जिहड़ा कुरान लैके गया है यह लैके गया है सैयद वली हसन, जिहदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे के इन्हां शब्दां च लिखता है, कहिंदा है औरंगजेब तुरा गर बबाए बकौले कुरान बनिस दे शुबारा रसानम हुमा। औरंगजेब तुरा गर बबाए, जे तू वेखना चाहुंदा है वह कुरान जिहदे ते तू कसम लिखी सी, बनिस दे शुमारा रसानम हमा, मेरे को आके वेख लै वो चीज सामभी पई है। तो हुण ख्याल करो सरसा का युद्ध भी हो चुका है, आनंदपुर साहब भी छड्या जा चुका है, चमकौर का युद्ध भी हो चुका है, इहदे बावजूद तख्त चला गया, ताज गया, राज गया, बाज गया, माता शहीद, पिता शहीद, पुत्र शहीद, गुरु ने संभाल के रख्या की? संभाल के रख्या गुरु ने औरंगजेब की भेजी कुरान। क्यों? क्योंकि एक बहुत वड्डा इतिहास का दस्तावेज है, जे वह ना होंदी अज शायद इतिहास का नजरिया कुछ होर होंदा। ते इस कुरान का जिक्र किहदे चों मिलदा सानू? केवल जफरनामे चों, तुरा गर बबायत बकौले कुरान बनिस दे शुमारा रसानम हमा। औरंगजेब जेकर तू वह कुरान वेखना चाहुंदा है तो मेरे कोल महफूज पई है। इस तों अगे गल करदे पहली चिट्ठी की, वह चिट्ठी जिहड़ी माछीवाड़े तो लिखी गई, की सबूत है कि वह चिट्ठी माछीवाड़े तो ही लिखी गई ते की सबूत है कि उहदे विच ते जफरनामे च अंतर है? क्योंकि मैं जदों जफरनामे दे बहुत नुकसियां दा अध्ययन कीता है, कुछ नुकसे ऐसे ने जिस तरह आचार्या धर्मिंदर दा, उसने उस फतेहनामे वाले 24 शेर भी जफरनामे च लिख दिते अगले पासे। सरदार प्यारा सिंह पदम ने उस 24 शेरां नूं, हालांकि इहदे विच एक शेर अधूरा है 23.5 नहीं, जिहड़ा पूरा शेर है उहदा नुक्सा भी साडे कोल पिया है,
असी बहुत जल्दी प्रकाशित इस नूं करांगे। सरदार प्यारा सिंह पदम ने यही चवी शेर पिछले पासे जंगनामे दे रूप च लिख दित्ते ने। इसे तरह वीर जी भुपिंदर सिंह ने हकायतां दी गल कीती सी, दास्तान दी गल कीती सी। ज्ञानी नारायण सिंह होना ने जिहड़ा जफरनामा सब तो पहला संपादित किया उहदे विच उहनां दास्तान दे विच हकायतां दा वी सारियां दा जिक्र किया। पर आ जाके असी सारा जदों अध्ययन करते हैं तो साढ़े सामने दो गल्लां ने, फतेहनामे दे 24 शेर, जफरनामे दे 111 शेर, कुल मिला के गिणती बन जाती 135। पर फतेहनामे और जफरनामे दे विच अंतर की है, सवाल यह है इन्हां दे विच किन्ने क दिनां दा आपस दे विच लिखण दे विच जिहड़ा वखरेवा होवेगा, किन्ने क दिन का गैप होवेगा। इन्ना क वखरेवा है कि जिस दिन गुरु साहब फतेहनामा लिख रहे ने उदों तक अजे गुरु साहब नूं खबर नहीं पहुंची कि सरहंद दे विच छोटे साहिबजादे भी शहीद कर दित्ते गए। इन्ना क अंतर है। उस फतेहनामे दे शेर दे विच गुरु पातशाह लिखते ने, कहिंदे ने चिहा गर के, कहिंदे की होया के जे शकालो बा मकर, शकालो कहिंदे ने गिद्दड़, बा मकर धोखे नाल, चीहा शुद्ध के चीहा गर के शकालो बा मकर रिया हमदो दो कुश्त ए बच्चका शेरारा। की होया जे एक गिद्दड़ ने धोखे दे नाल शेर दे दो पुत कतल कर दिते। इस तो स्पष्ट है कि जफरनामे ते फतेहनामे दे विच सूचना दा अंतर है। पहली गल, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे च लिखते ने इसे शेर को थोड़ा बदल दिता जांदा, चीहा शुद्ध के बचगा कुश्ता चार के बाकी बेमान दस्त पेची दा मार। की होया हुण इत्थे ख्याल करियो मेरी ओ भैणो, बच्चे नूं बुखार चढ़िया होवे ना, मां नूं नींद नहीं आउंदी, बच्चा स्कूल तो लेट हो जाए, मां का बुरा हाल होंदा, मां की मां बाप का ही बुरा हाल होंदा। इत्थे हुण शहीद होने की खबर मिल चुकी है चीहा शुद्ध के, ते शुरुआत कित्थों हो रही है? आ तुसी इस्लाम दे विच मरसीए वेखते हो ना, जदों मुहर्रम कढ़िया जांदा, ताजिए कढ़े जांदे ने, कितना रोया जांदा है विरलाप दे विच, क्यों? हजरत हसन ते हुसैन की शहादत, रो रो के पिट 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 मानवीर बुरा हाल कर लैंदे ने। इत्थे पुत शहीद होए ने ते शब्द की शुरुआत कित्थों हो रही है? चीहा शुद्ध के की हो गया औरंगजेब? हो सकती है किसी भाषा च पुत्र शहीद होए ने अरबता होगी, की हो गया? ची शुद्ध के, चीहा शुद्ध के की हो गया? बचगा कुश्ता चार, तू मेरे चार शहीद कर दिते, तू चार को कोह के मार दिते, मैनू परवाह क्यों नहीं हो के बाकी बेमां दस्त पेची दा मार, तेरे तो बदला लैण वास्ते कुंडली वाला सप खालसा जिंदा। इहदा पंजाबी अनुवाद ज्ञानी ज्ञान सिंह होणा ने कीता है ना, उन्हां दा वाकियात होर विखाया है, पर बड़े भावपूर्त शब्द ने, जेकर उन्हां शब्दां नूं समझिए बड़े सहजे अखरां च असीं उन्हां नूं बयान कर दिंदे हां। गुरु ने कहा सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए, चार मोए तो क्या पया प्यारे हो। यह जिहड़ा वार ना शब्द है इस्लाम चो आया। जदों विआह शादियां हुंदियां ना, मैं विदेश च किते लैक्चर कर रहा सी, एक बच्ची ने सवाल किया सी, वीर जी तुहाडे सिखां दे विच जदों आनंद कारज हुंदे ने, बच्ची अंग्रेज धर्म नाल संबंधित सी, ते कहिंदी सी कि तुहाडे गुरु दे अगे सिर तो पैसे क्यों कमाउंदे ने? मैं कहा बेटा ये रस्म तो इस्लाम चो आई है, साडे च वार ना करना बुला लैणी, पर इह यकीन असीं इह करदे हां कि असी उस सुभागी जोड़ी दे समझते कि माया साढ़े सामने कोई अहमियत नहीं रखती, असी कहने कि तेरे उपर असी माया नूं कुर्बान कीता। कहिंदी किन्ने पैसों का किया जाता? आर्थिक समर्था है? मैं क्या कोई दसां दा करे, कोई वीहां दा करे, कोई पंजाहां दा करे? इन्हां पछमी समाज दे विच गोरियां दे विच रिकॉर्ड बनाउण दा बड़ा हैगा। ते कहिंदी डाक्टर साहब अजे तक कोई रिकॉर्ड है भी वड्डे तो वड्डा सरवार ना किन्ने कीता होवे? मैं क्या मैनूं पैसों का तो पता नहीं, पर जिहड़ा वार ना मेरे गुरु ने कर दिता है ना, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या पया जीवित के हजार, इहदे तो वड्डा वार ना दुनिया के इतिहास च होया ते ना हो सकता। यह दुनिया का सब तो वड्डा वार ना है, अपनी कौमी के उपरों अपने पोती वार दे।
इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या पया जीवत कई हजार। बिल्कुल एदा फारसी रूप है जी हां शुद्ध के बचगा कुश्ता चार के बाकी बीमार दस्त पेची तंबार। सो पहली गल साड़ी तकरीबन क्लीयर हुई कि एक फतेहनामा भी लिखा गया सी जदों तक गुरु साहब नूं केवल दो बच्चों की शहादत का पता लगा सी। जफरनामा जिहड़ा लिखा गया है उदों तक चार गुरु साहब के फरजंदा की शहादत की उन्हां तक खबर पहुँच चुकी है। हुण ये जिहड़ा जफरनामा है पहला जफरनामा दुनिया का 14वीं सदी च लिखा गया है जिहड़ा जफरनामा अज लंदन की लाइब्रेरी च पिया है। हर वर्के दे उपर हर पन्ने दे उपर बड़ियां सुंदर तस्वीरां ने और उस जफरनामे दा संबंध सिख धर्म दे नाल ने। ओ जफरनामा बाबर दे वडेरे ते चंगेज खान दे वंशज तिमर लंग दियां जित्तां दी खुशी दे विच लिखिया गया है मौलवी ज़ेज़दी ने। उहदा नां है तारीखे तैमूरी ते उहनूं कहा गया है जफरनामा। उस जफरनामे तो बाद जफर शब्द बहुत वारी फतेह के रूप च वरत्या गया इस्लाम दे विच। औरंगजेब दे कोल वड्डियां 22 तोपां सी बहुत वड्डियां, उन्हां चों 16 तोपां दा नां सी फतेह बख्श, माफ करना जफर बख्श, ते 6 तोपां दा नां सी फतेह रहबर, अर्थ इक्को ही बणदा है जित देण वालियां। औरंगजेब दे राज दे विच जदों असीं उहदा सारा फौजी तरतीब नूं पढ़दे हां ना ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਕਟ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 33.5 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 33.5 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਤੋਪ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲ। ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਇਤ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਾਤ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਟ ਵੰਡਣਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 7, 8, 6, 7, 86, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 786 ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨੁਰ ਰਹੀਮ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਹਸਤਨੀ ਵ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਬਤਰਫ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 2-3 ਖਰੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ 9 ਸ਼ੇਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਖਰੜਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਖਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ 9 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 21-21 ਸ਼ੇਰ ਦੇ 4 ਸਫ਼ੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ।
इस आरंभता नूं कहा जांदा है हमदो सना, और इहदा रूप की है? मेरे ख्याल नाल जिहड़े वीर जी ने हारमोनीयम दे नाल कविता पढ़ी सी इत्थे बैठे होणे किते, इन्हां ने वीर जी मेरे ख्याल दे नाल जिहड़ी तुसीं लै बद्दी जिस नूं असीं फारसी च बहर कहिंदे मिर्जा सी, शायद मिर्जा बहर सी। हर रचना की एक बहर होंदी है। ये जिहड़ा जफरनामा है इहदी बहर है फौलन 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 फौल फौलन 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 फौल, ये फारसी की बहर है। हुस्न जमाल अस्त रोशन जमीर खुदाबंद मुल्क अस्त साहिब अमीर दरेगा अगर रुए ऊदीद में बचकती लाचार बख्शीद में, इहदी बहर है फारसी की। कि केड़ी लै च पढ़ना, जिन्ना चिर सानू लै का पता नहीं होगा फारसी दियां इन्हां रचनावां दे कदी भी अर्थ स्पष्ट नहीं होणगे। सो ये जिहड़ी इहदी बहर है जिहनूं वहा कहिंदे आ, वह फारसी का मसनवी वाला है। उही मसनफी जिहड़ियां मौलाना रूम ने भी लिखियां ते जिहड़ियां शेख सादी ने भी लिखियां, वह मसनवियां ने। वह बिल्कुल बेशक ये शेर ने, बिल्कुल लिखिया होया खत है, पर इन्हां दी जिहड़ी बहर है जिहड़ी रवानगी है, हुण तुसीं फौलन 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 फौल दे जपजी साहब नहीं पढ़ सकते क्योंकि मसनवी नहीं है, तुसी नहीं पढ़ सकते। वह जफरनामा ही जां हकायता ही तुसी उस च पढ़ सकते हो क्योंकि लिखण दा तरीका है मसनवी। हुण जिस तरह मौलाना रूम लिखता है, कहिंदा है कि मौलवी हर गिज ना बाशिद ए मौलाना रूम गर गुलामी शम्स तर बरेजी दा शुद, यह मसनवी है। पर मसनवी लिखण तो पहला वह भी उहदी हमद दे रहा है, उहदा मंगल दे रहा है कि जे किते मैं शम्स तबरेजी की गुलामी ना करदा तो शायद मैं मौलवी तो मौलाना रूम ना बनता। सो यह जिहड़ी रचना है इहदी जिहड़ी बहर है वह मसनवी वाली है, और मसनवी वाली इस बहर दे विच गुरु पातशाह आरंभ करते ने कमाले करामात कायम करीम। इन्हां शब्दां नूं समझण की कोशिश करिए, जिस दी सिफत नूं शब्दां च बयान नहीं कर दिता जा सकता, जिहड़ी सारी कायनात ते करामात दा मालिक है, जिहड़ा रहम करन वाला है, जिहड़ा रजा बख्श इच्छावां दी पूर्ति करन वाला है, रिहाकुल बंदी छोड़ रहीम ते रहम करन वाला है, ये सारे शब्द गुरु पातशाह ने उस अकाल पुरख की सिफत दे विच पहले 12 शेर लिखे ने। अगले शेर च कहिंदे ने गुरु पातशाह, एक दो शेर छड के, क्योंकि 111 शेर ने, जो मैं सारे बोलने लग गया वैसे मैं आते हैं क्योंकि मैं थोड़ा शौक है इन्हों पढ़न का फारसी के स्रोतों। एक दो शेर छड के पातशाह कहिंदे ने ना साजो ना बाजो फौजो ना फर्श खुदाबंद बख्श इंद ए ऐश अर्श। ना साजो मटीरियलिज्म, साज फौज दे जंगी साज, कहिंदे जिस मनुख दे कोल फौज का कोई जंगी साज ना हो, तोपा ना होन घोड़े ना होन घोड़िया का साज ना हो ना बाजो। हुण ख्याल करो जे साज नहीं है तो बाज कदी नहीं हो सकता, जे साज नहीं है इतिहास में देखिए साड़ी पहली जंग पास तो हुई, पहली जंग पास तो हुई छेवें पातशाह ने शाहजहान के अहलकारा के उड़ाए हुए बाज न हरा के जमीन से सुट दिता। अहलकार सुनेहा लैके आते ने कि साडा बाज वापस दे दियो, तो गुरु पातशाह जेडे साडे वर्गे ढिली किस्म के सिख होंगे, मैं अपने आप को ढिली किस्म का गिणना, पातशाह बाज वापस दे दो की लोड़ है, एक पंछी तो लड़ रहे हैं। ये तुहानू जफरनामे चो समझाउणी है कि साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श की गल कित्थे जाके रुकती है। पातशाह बाज वापस दे दिए, एक पंछी तो लड़ीए, तो मेरे गुरु ने पता की कहा, कहिंदे बाज नूं पंछी दे रूप च ना वेखो, तिन ते बाज नहीं अब देना अब ताज राज तिन ते सब लेना। बाज आजाद सत्ता का प्रतीक हुंदा है, बाज एक आजाद राज का प्रतीक हुंदा है। छेवें पातशाह की पहली जंग बाज तो हुई, सतवें पातशाह ने बाज रखिया, नौवें पातशाह ने बाज रखिया, ते दसवें पातशाह नूं असीं कहिंदे प्यार दे नाल बाजां वाले पातशाह, कहिंदे ना असीं सारे बाजा वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज। क्यों बाज ही क्यों रखिया? क्योंकि जो जफरनामे जित की आजादी के संकल्प में वेखोगे तो बाज जरूरी है, क्योंकि बाज के कुछ गुण ने। बाज का पहला गुण है गुजर औकात कर लेता है वो शाहों कूहों ब्याबा में, शाही के लिए जिल्लत है कारे आशिया बंदी। अज भी जेडे अफगानिस्तान जिन्होंने गोल्डन फालकन कहा जाता ना शाहबाज, जेडे लोग अज भी शिकार खेडते ने बाज में कभी पिंजरे च नहीं रखा जाता,
ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰਾ, ਹਮਾਮੋ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਾਇਦਾਨਾ, ਪਲਟਣਾ ਝਪਟਣਾ ਝਪਟ ਕਰ ਲਪਟਣਾ ਲਹੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਆਲਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਪਲਟਣਾ ਝਪਟਣਾ ਝਪਟ ਕਰ ਲਪਟਣਾ ਲਹੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦੀ, ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਏਕ ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਂ, ਕਰਗਸ ਕਾ ਜਹਾਂ ਔਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਜਹਾਂ ਔਰ। ਬਾਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਕਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ, ਉਕਾਬੀ ਰੂਹ ਜਬ ਬੇਦਾਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਸਮਾਨੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਠਿਕਾਨਾ ਕਸਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇ ਗੁੰਬਦ ਪਰ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਬਾਜ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋ ਕੀ ਚਟਾਨੋ ਪਰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਗੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਿੰਦੋਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਆਨਾ। ਬਾਜ ਆਪਣਾ ਆਲੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜਾ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਲੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੋਪਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਤੇ ਅਰਸ਼, ਅਰਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਐਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਰਿੱਠਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ 12 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ, 13ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਸਤਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਨਾਹ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਿਦ ਚਿਹਲ ਨਰ ਬਾ ਦਹਿ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਨਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਿਨਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿਨਾਹ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ। ਗੁਰ ਸਿਨਾਹ ਕੀ ਕਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ 40 ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਸਿਨਾਹ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਿਹਲ ਨਰ ਬਾ ਦਹਿ ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਹਿ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਆ ਟੱਕੇ ਨਾਲ। ਬਾ ਦਹਿ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ, ਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸਿਉਂ, ਅਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਬਰ ਹੈ। ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, ਬਾ ਦਹਿ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਾ ਦੈ ਲਕ ਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ 40 ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਛੇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਹਿ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦਹਿ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਫੌਜ, ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਛਿੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੂਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਖਿਆਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਮਖਿਆਲ ਜਾਂ ਡੂਮਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੂਮਣਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਸ਼ਿਹਾ ਪੋਸ ਆਮਦਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂਮਣਾ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦਮ, ਤੇਰੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਈ, ਮਯਾਂ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਮਯਾਂ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਹਿ ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੌਜ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਚਿਕਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਚਿਹਲ ਨਰ ਬਾਦਹਿ ਲੱਖ ਪਰ ਆਇਤ ਪਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 700 ਸੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪੇਗਾ। ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ 1725 ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੇਬਲ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜ਼ੇਬਲ ਨਿਸਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੀਰੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੀਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ।
उस तो बाद अनायतुल्ला खान औरंगजेब का मुंशी नियुक्त होया। यह सारिया चिट्ठिया लिखता रहा। हुण यह जिहड़ी 700 गिणती की गल आई है, 700 गिणती की गल आई है अनायतुल्ला खान की रचना के विचों। और हैरानगी की गल है कि साढ़े विद्वान अधूरी गल क्यों पढ़ना चाहते हैं। जिस तरह वीर जी ने गल की थी ना, असी सारी गल नहीं पढ़ते, विचों थोड़ी जी गल कढ के उहदा विरोध शुरू कर दिंदे। मैं कहना जिहड़े विद्वानां ने यह गल लिखी है मुबारक है, पर जे सारी रचना नूं मन लैण ते सच जाणिओ, जे मन लिया जाऊगा ना, मैं दावे ना कहना कौम के इतिहास के पल्ले कुछ नहीं रह सकता जे मन लिया गया। क्योंकि इन्हें तीन चिट्ठियां औरंगजेब दियां उस किताब च प्रकाशित कीतियां ने जिहदा नां है अहकामे आलमगीरी। तीन चिट्ठियां, एक चिट्ठी ते पता नहीं किहदे वल लिखी है, शायद वह उस वेले लाहौर के फौजदार मुनीम खां दे वल है। दूजी का पक्का पता है कि मुनीम खां वल लिखी है, मुनाइम खान के वल। तो तीजी जिहड़ी है सरहंद के सूबे वजीर खान वल लिखी है। तीन चिट्ठियां ने जिहदा संबंध साढ़े धर्म के नाल इस किताब के विच है। हुण इस किताब की शब्दावली की है, जिथे कहा गया कि फौज की गिणती केवल 700, तुसीं पढ़िया होवेगा। आधार की है कि यह जिहड़ा मुंशी अनायतुल्ला है, इस सरहंद के नवाब वजीर खान को चिट्ठी लिखा है कि वजीर खान, यह चिट्ठी की रसीद है, चिट्ठी नहीं, चिट्ठी वजीर खान ने लिखी होगी। ये उन्होंने जवाब लिख रहा है, कहता है कि साढ़े वालों लिखतम, जिस तरह दसम पातशाह एक नुक्से च कहिंदा बतरफ औरंगजेब आलमगीर, कि मैं उहदे तरफ लिख रहा, जिस तरह हुण असीं हट गए, पहले चिट्ठियां लिखते होंदे सी ना, ते अपना आपा नाल लिखते सी लिखतम मैं फलाणा सिंह अगे मिले उन्हूं। यह साडी चिट्ठियां की एक, यह भी एक नायत होंदी सी, लिखतम फलाणा सिंह अगे मिले, उस तो बाद असीं चिट्ठी शुरू करदे सी। बिल्कुल इसे तरह लिखतम है औरंगजेब का मुंशी अनायतुल्ला, अगे मिले वजीरे आजम सरहंद। शब्द की ने, तुहाडी वह चिट्ठी मिल गई जिहदे विच तुसीं नानक प्रस्तां दे आगू गोबिंद दा सरहंद तो 12 को चमकौर एक गड़ी च जाना, एक जमींदार की हवेली दे विच घिर जाना, तुहाडे वल्लों 700 सवार तोपां ते जंबूरे भेजणे, उहदे एक पुत्तर ते माता दा गिरफ्तार हो जाना, ते चमकौर की गड़ी छड़ के उहदा दर दर फिरना। यह सानू सारी जानकारी मिल गई है, सो दोबारा इस बारे लिखण की खेचल ना करना। यह चिट्ठी की शब्दावली है, चिट्ठी नंबर 3 अहकामे आलमगीरी अनायतुल्ला खान की लिखी हुई। हुण अगे आ जाओ, वजीर खान तो इस घेरे च शामिल नहीं है। वजीर खान ने चिट्ठी औरंगजेब तो शबाशी या मनसबदारी लैण नू लिखी है कि मैं बड़ी मदद की शाही फौजां की, मैं 700 फौजी भेजे है। तो सच जाण्यो वजीर खान की जेकर 700 फौज को आधार बना लीए, तो जेडे नवाबां दे ते फौजदारां दे नां जफरनामे च गुरु पातशाह लै रहे ने नाहर खान, इस तो अलावा ख्वाजा खिजर खान महमूद अली, की वह फौज तो बिना ही आ गए? यह सवाल पैदा होंदा है कि 22 होर मनसबदार फौजदार नाजम ते इस तो अलावा, ज्ञानी ज्ञान सिंह होणा नूं पढ़ो, जां एक मेरी किताब है गंजे शहीदां चमकौर दे बारे, उहदे च मैं उहनां सारिआं 22 राजिआं दा जिक्र दित्ता है, जबरदस्त खान, दिलावर खान, आ भावें कहिंदे बाद च हां दा मारा ना रहा, पर इस वेले उह वी शामिल सी, शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले वाला, शेर मुहम्मद खान, नाहर खान, लश्कर अली खान, ख्वाजा खिजर खान, जबरदस्त खान, दिलावर खान, यह 22 नाजम ने, ते जिन्हां चो बहुते 5-5 हजारी ते 7-7 हजारी जरनैल ने, कि वह फौज तो बिना आ गए सी चमकौर की गड़ी दे विच? सवाल पैदा होंदा साडे मन दे विच। सो इस करके इस रचना नूं आधार बना के जेकर चमकौर की गढ़ी नूं घेरा पाउण वाली बेशुमार फौज की गिणती निर्धारित करनी है, जे साडी कौम ने इस आधार नूं सच मनना है, ते अगला इहदा जिहड़ा शब्दावली है बहुत ही ज्यादा नुकसान दे जे कौम दे वास्ते। हुण किसे समें इन्हां ही विद्वानां ने यह गल लिखी सी कि सिख तवारीख दे नाल बहुत सारे मुसलमान अते अंग्रेज लिखारियां ने ज्यादती कीती है, ते जेकर असीं उहनां दे हवाले देणे होण तां सानूं बहुत सोच समझ के देणे पैणगे, क्योंकि उन्हां ने किसी ना किसी रूप दे विच सिख इतिहास नूं विगाड़न दी जां अपने पक्ष दे विच भगताउण दी कोशिश कीती है। पर इन्हां विद्वानां वल्लों जिस तरह जफरनामे दे खंडन दे वास्ते अहकामे आलमगीरी दा हवाला दित्ता जा रहा है, गुरु सवारियो मैं इत्थे दसम ग्रंथ दी हमायत जां विरोध दी गल नहीं कर रहा, तुसीं इत्थे हमायती भी बैठे होवोगे, विरोधी भी बैठे होवोगे, पर मेरा मसला या मेरा विशा केवल जफरनामे की होंद उहदे इतिहासक दृष्टिकोण तक सीमित है। मैं ये कहना चाहुंदा है कि जेकर इसे तरह ही अनायतुल्ला खान दे अहकामे आलमगीरी दे खरड़े नूं मन के
ਅਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਈਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾ ਅਰਜਦਾਸ਼ਤ ਮੁਤਜ਼ਮਨ ਅਰਾਦਾਏ ਆਸਤਾ ਬੋਸ ਵਲਾ ਇਲਮਾਸਤ ਸਦੂਰ ਮਨਜੂਰ ਫੈਜ ਜਹੂਰ ਮਸਹੂਬ ਵਕੀਲ ਬਾਦਰਗਾ ਆਸਮਾ ਜਾਂ ਅਰਸਾਲ ਦਾਸ਼ਤਾਂ ਬੂਦ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਚੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਖਾਸਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੇ ਵਾਰ ਬਾ ਮੈਦਾਨਾ ਆਮਦ ਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੜੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕੱਸੇ ਕਿ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਂ ਬਾਇਦਸ਼ ਯਾ ਨਜੋ ਕੁਸਤਨੋ ਬਸਤਨੋ ਬਾਇਦਸ਼, ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਆ ਖਾਸਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦਵਾਰ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਵਾਜ਼ਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਜੋ ਕੁਸਤਨੋ ਬਸਤਨੋ ਬਾਇਦਸ਼, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੀੜਾ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀੜੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀੜੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀੜਾ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਖ਼ਤ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਖਵਾਜ਼ਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰੱਖ ਅਪ੍ਰਭਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਏਤ ਇਤ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੇ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਖਵਾਜ਼ਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ, ਨੌ ਟੰਕੀ। ਨੌ ਟੰਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ 150 ਪਾਉਂਡ ਦਾ
कमान है आ 160 पाउंड दा आ 192 पाउंड दा 190-92 पाउंड दा कमान अज बड़ा वड्डा गिणिया जांदा जिहनूं आम बंदा नहीं खिंचदा क्योंकि उहनूं ओह बाह खिंच सकदी है जिहड़ी 192 पाउंड अपने कन्न तक खिंच सकदी है। सो इह कमान दी खिच हुंदी है। हुण दसम पातशाह दे कमान दी खिच लिखदे ने कान सिंह नाभा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख इज़्म विच 9 टंक ते 25 किलो दा इक टंक हुंदा जे ते 225 किलो दे बणदे जे 496.5 पाउंड। अगे वेख लो तुसीं हिसाब ला के 496 पाउंड खिचदा कमान मेरे गुरु दा। ते मेरा गुरु कह रहा है कि जदों मैं कमान दे विच लै के तीर कन्न तक खिंचिया ना कहिंदे तेरे जरैले कंध दोले सिर कर लिया कहिंदे पा मैदाना आमद मां मरदाना वार के आंखा सा मरदूद साया दे वार कहिंदे हुण गुरु गोबिंद सिंह की करे। दुश्मन सामने है, दुश्मन भी वह है जिन्हें सहु खाधी है कि जां सिर वढ़ना है ते जां बंदी बना के लैके आना, पर कहिंदे आत्मा इजाजत नहीं दिंदी जिहड़ा मरदा वांगू ना लड़े उहदे ते मैं वार करां, नहीं इजाजत दिंदी आत्मा। कहिंदे दरेगा पहली वारी जिंदगी च अफसोस शब्द जे किते पछतावा है कहिंदे मैनूं दरेगा अगर रूए ऊ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में किते मेरा दुश्मन मरदा वांगू मेरे सामने आउंदा मैं एक तीर उहनूं भी बख्श दिंदा जिवें मैं नाहर खां नूं बख्शिया सी एक तीर। शब्द वेखो गुरु दे। आप मैं कई वारी वेखना हुंदा सी फेसबुक ते जदों कोई ना कोई साडी चर्चा चल रही हुंदी है ना, चर्चा धर्म दी चल रही हुंदी, कढ़दे गाला है इत्थे चल जुद रहा है ते मेरे गुरु दी बोली वेखो बादले जक तीर लाचार बख्शीद में मेरा दुश्मन सी ना मैं एक तीर उन्हों भी बख्श दिंदा, ये नहीं क्या मैं मार दिंदा। गरके खूह शब्द पाशाह ने वरत्या भी खून च गर्क कर दिता, पर भाषा वेखो गुरु की मैदाने चाहे मोहसिन फानी होया मुहम्मद अरदस्तानी जी की फारसी की किताब है दबस्ताने मजाहिद, वह कहना मैं बड़ा हैरान रहा कि जेडे छेवें पातशाह है ना सिखा का जरा छेवा नानक है कहिंदा जो दुश्मन मैदाने जंग के सामने आता है ना तो दुश्मन हस के कहिंदा मेरे ते वार कर, काले खान की गल कहिंदा कहिंदा मेरे ते वार कर, कहिंदा मैं बड़ा हैरान होया कि मैदाने जंग ते युद्ध नीति तो कभी वार करन दा मौका दिंदी नहीं ते गुरु कह रहा मेरे ते वार कर। कहिंदा उन्हें वार किया ते कहिंदा गुरु ने ढाल ते रोक लिया। कहिंदा हुण काले खान कंबण लगा कि हुण ते गुरु की वारी है ना युद्ध नीति के मुताबिक, कहिंदा गुरु मुस्कुरा के फिर कह रहा काले खान एक बार होर कर लै। कहिंदा मैं बड़ा हैरान होया किवें दा गुरु दूजा मौका दे रहा, यह राजनीति भी नहीं जानता ना युद्ध नीति ना राजनीति ना धर्म नीति। कहिंदा उन्हें दूजा वार किया गुरु ने कृपान से डकिया, कहिंदा मुस्कुरा के गुरु कहिंदा काले खान एक बार होर कर लै। जदों तीजा भी कर लिया ना तो गुरु ने टक के कहिंदा हुण गुरु ने चौथा वार किया, कहिंदा मैं हैरान रह गया गुरु के चेहरे से फिर भी गुस्सा नहीं, कहिंदा बड़े प्यार ना गुरु कह रहा है जदन ई नेस्त बल्लो जदन ई अस्तो पुत्रा वार इंज नहीं वार इंज करी दई। कहिंदा मैनूं इंज लगा गुरु लाड़ ही नहीं रहा, गुरु तो मैदाने जंग धर्म की विद्या दे रहा। फारसी के शब्द जदन ई नेस्त बल्लो जदन ई अस्त पुत्रा वार इंज नहीं वार इंज करी दई। हुण इत्थे गुरु पातशाह कह रहे हैं कहिंदे ने कि आ ख्वाजा मरदूद साया दीवार ब मैदाना आमद ब मरदाना वार दरेगा अगर रूए उदीद में ब यक तीर लाचार बख्शीद में। अगला मुद्दा इसे ही लिखत दे विच चुक्या गया कि गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब की चापलूसी की थी। इसे लेख दे विच इसे लेखक ने मुद्दा चुक्या कि गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब की चापलूसी की थी। शब्द की ने शाहे शहनशाह खुशिश औरंगजेब ची चलाक हस्त दस्त माफ करना चलाक हस्त दस्त चाबक रकेब इच औरंगजेब दी खूबियां बयान कीतियां ने। इस तो अगला शेर है कि हुस्न जमाल अस्त रोशन जमीर खुदाबंद मुल्क अस्त साहिब अमीर। ये जेडे पांच शेर ने 89 तो लैके 94 तक 99 तो लैके 94 तक ये जफरनामे के जेडे पांच शेर ने यह औरंगजेब दी सिफतां ने। हुण इस सिफत नूं असीं कहिंदे चापलूसी ते की गुरु झूठ बोलदा, यह सिफतां औरंगजेब च हैगियां ने। जे गुरु भी झूठ बोल दिंदा इहदा मतलब गुरु इंसाफ नहीं कर रहा, गुरु दुश्मन दी अख नाल वेख रहा। फिर मानस की जात सब है एक ही पहचान दो दे विचों राजे नूं वांझा रख्या जा सकदा देश दे राजे नूं। ख्याल करियो जे गुरु पातशाह भी पक्षपात करदे औरंगजेब एक पक्ष सामने रखदे ही ना, गुरु पातशाह ने ते अपने दुश्मन दा ही रख्या। कहिंदे कसे हमला करदम बा मरदानगी जफरनामे दा शेर है। कहिंदे ने औरंगजेब तेरा एक जरनैल बड़ा मरदा वांगू लड़िया, कहिंदे मैं खुश हो गया कसे हमला करदम बा मरदानगी। गुरु पातशाह
तारीफ लिखण दे ने अपने दुश्मन की। गुरु गोबिंद सिंह दुश्मन लड़न वास्ते आया, कहिंदे कसे हमला करदम ब मरदानगी, कहिंदे तेरे एक जरनैल ने बड़ा मरदा वांगू लड़िया, पर कहिंदे ने गलती की कीती, हम अज होशगी हम अज दीवानगी। भी वह जोश के नाल होश का तवाजन गवा बैठा, जिदे करके उन्हें मेरे दो सिंह ते शहीद करते, ते बाद च साडे हथों भी मारिया गया, पर मरिया बड़ी बहादुरी दे नाल। है ते दुश्मन, है ते दुश्मन ना, दो सिंह मारे होण ते गुरु फिर भी तारीफ करे भी मेरे दो सिंह मारते उन्हें, पर तेरा जरनैल लड़िया बड़ी बहादुरी दे नाल। हुण इहनूं असीं चापलूसी कहवांगे, ये चापलूसी नहीं है, ये सच का एनालिसिस है। जे कोई चंगी तरह लड़िया तो उन्होंने कहा गया कि तू चंगी तरह लड़िया। हुण औरंगजेब दीआं जिहड़ीआं खूबियां बयान कीतीआं ने, चाबक रकेब हस्त चलाक अस्त हुसन जमाल अस्त रोशन जमीर खुदावंद मुल्क अस्त साहिब अमीर, यह जिहड़ीआं उहदीआं खूबियां बयान कीतीआं ने, यह सारियां उहदे च सी। हुण मैं दसदा किहड़ीआं खूबियां सी। औरंगजेब का पूरा नाम सी अब्दुल मुजफ्फर महीउद्दीन मुहम्मद बिन औरंगजेब। ए शाहजहान दे घर बेगम ममताज दी कुख चो पैदा होया सी, जिहड़ी उस समय दी सुंदर औरत गिनी जांदी है, जिसकी ताजमहल कबर है। हुण सुंदर पिता सुंदर औरत, ते जे गुरु पातशाह ने कह दिता भी औरंगजेब तू सुंदर बड़ा है, ते झूठ केड़ा। अगली गल भी तू खुदावंद मुल्क अस्त दाता नूं बख्शन देण वाला, जेकर तुसीं हमीदुद्दीन दा अहकामे आलमगीरी पढ़ो ना, तो औरंगजेब छोटी उम्र तो ही, ये गुण ने जिहड़े गुण ने तुसीं उहनां नूं जे गुरु ने नज़रअंदाज नहीं किए असीं भी नहीं कर सकते। गुरु ने कहा है कि तू छोटी उम्र तो दाता देण वाला है, इहनूं 500 रुपया जेब खर्च मिलिया करदा सी, इह गरीबां च वंड दिंदा सी। चाबक करकेब बड़ा वधिया घोड़सवार, औरंगजेब ने 14 साल की उम्र के घोड़े से सवार होकर जंगी हाथी का मुकाबला किया। खुदावंद वधिया राजा, बहादुर राजा, मुल्क साहिब अमीर वधिया राजा। जदों इहदी दखण दे विच जंग होई है, एक तोप का गोला वज्जण दे नाल इहदा हाथी भज्जण लगा सी, ते इहने अपने अपने उस वेले दे सिपाहियां नूं पता की कहा सी, कहिंदा मेरे फील के पाम जंजीर से बांध सो, ओ मेरे सिपाहियो मेरे हाथी दे पैर नूं जंजीर ना बांध दिओ, वेखिओ किते मेरा हाथी मैदाने जंग चो भज ना जावे, लोकी इह ना कहण औरंगजेब आलमगीर मैदाने जंग चो भज गया। इहदा मतलब औरंगजेब बहादुर भी सी, दानी भी सी, सियाणा भी सी, रोशन जमीर दिमागी बहुत सी। औरंगजेब ने अपनी सारी उम्र, जिहनूं असीं अज कैलीग्राफी कहिंदे ना, वधिया लिखणा कैलीग्राफिक पेन हुंदे ने, औरंगजेब ने अपनी जिंदगी दे च अपनियां हथ लिखत कुराना लिखियां। एक कुरान मदीने च पई है, दूसरी कुरान जिहड़ी है वह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह च पई है, इन्ना वड्डा विद्वान सी। तीजी गल खुदावंद मुल्क अस्त, देश नूं चंगी तरह चलाउण वाला, कितना औरंगजेब ने अपने राज शराबबंदी की, वेसवा गमनी बंद की। उहदे तों इलावा औरंगजेब ने यह ऐलान कर दिता कि बादशाह जिहड़ा है वह राज दे पैसे चों अपना निर्वाह नहीं करेगा। औरंगजेब अपनी जिंदगी च मुसलमानी टोपियां बना के वेचदा रहा। यह कामे आलमगीरी दे विच जिहड़ी जादू नाल सरकार ने अनुवाद की ना, उहदी लास्ट विल आखिरी इच्छा, जिहदा नाम वीर जी ने शिकस्तनामा भी दस्सिया है, उहदे च पढ़ के वेखो, उह कहिंदा है कि यह मेरे मुंशी मेरी मौत तो बाद, मेरी मौत तो बाद दस देवी कि मेरी जेब दे विच 4 रुपये ते अद्धा आना पिया जिहड़ा मैं टोपियां वेच के कमाया, वह मेरी कबर ते खर्च कर दिओ, ते कुराना दे उल्थे वेच के जिहड़े 305 रुपये शायद 305 या 405 रुपये वह भी मेरी एक जेब च पए ने, वह गरीबां च वंड दिओ, क्योंकि सच्चे मुसलमान का फर्ज नहीं बनता कुरान नूं वेच के कमाई करे। हुण की ये जिहड़ियां खूबियां लिखियां ने ये औरंगजेब दियां नहीं सी हैगियां, ये चापलूसी नहीं है। ये 5 शेर लिखण तों बाद अगली गल गुरु साहब कहिंदे ने, कहिंदे ने औरंगजेब हुण मैं तैनूं दसदा है खराबी कित्थे है, कहिंदे इस सब दे बावजूद तू इन्ना ज्यादा ही हर कसा के कौले कुरान बाजदश, ना कुस्तनो बस्तनो बाजदश, ना तेनूं धर्म ते यकीन, ना तेनूं अपने इस्लाम ते यकीन, ना मैं तेरी सहुं ते यकीन कर सकदा, ते ना ही तू एक इंसाफ पसंद है। ये सारे उहदे औगण ने, पातशाह ने बयान किए ने, ये सारे उहदे गुण भी बयान किए 5 शेरां च, बाकी सारे च उहदे औगण भी बयान कर दिते, ते नाल ही यह कहता कहिंदे मैं लड़ना नहीं सी चाहुंदा।
एक औगुण होर दस्या कहिंदे भी तू समझदा नहीं। गुरु पातशाह ने औरंगजेब का एक होर औगुण दस्या है कहिंदे तू समझदा नहीं के खुश गुप्त फिरदोसिए खुश ब्याह शताब्दी शब्द कारे आहर मना। कहिंदे के गुरु पातशाह कहिंदे कहिंदे औरंगजेब वेख ध्यान ना सुन काली करना शैतान का काम हुंदा है। इहदा मतलब औरंगजेब नूं शैतान भी कहा गया ना भी तू काली करदा है। गुरु पातशाह कहिंदे फिरदोसी ने बड़ा सोहना कहा है। फिरदोसी की एक रचना है शाहनामा ते शाहनामे का शेर बड़ा मशहूर है। शाहनामे का एक शेर असीं अक्सर कहिंदे आ वो शेर हैगा चे शेरां चू खाली गर मिरगजार बा कुनद रोबे लंग दौरे शिकार। कहिंदे जदों जंगल शेरां तो खाली हो जाए ना तो फिर लंगड़े गिदड़ भी शिकार करन लग पैंदे। यही हाल अज साडा ये फिरदोसी का शेर है। हुण इहदा मतलब गुरु पातशाह ने फिरदोसी की रचना शाहनामे नूं पूरा पढ़िया उस तो बाद उन्होंने कोटेशन दी उहदी कोटेशन दी है कहिंदे कि खुश गुप्त खुश गुप्त फिरदोसीए खुश बयां शताब्दी शब्द कारे आहर बना। पर औरंगजेब तू काली करदा क्योंकि मैं लड़ना नहीं सी चाहुंदा मैं लड़न वास्ते नहीं सी आया। बा ला चारगी दरमिया आमदम बा तदबीर तीरो तुफंग आमदम। तू लोकां दे उपर जुल्म इन्ने कीते तू लोकां नूं तंग इन्ना कीता कि मैनूं लाचार होके मैदाने जंग च कृपान चुकनी पई। क्यों चुंकार अजहमा हिलते दर गुजश। तगला शेर चुंकार अजहमा हिलते दर गुजश हलाल अस्त बुरदर बस शमशीर दस्त। यह शेर जेड़ा इस तो पहला भी वरत्या गया शेख सादी शिराजी की रचना बोस्तां दे विच ए शब्द बिल्कुल इसे तरह। फर्क की है शिराजी साजी जिहड़े ने शेख साधी जिन्होंने असीं कहिंदे लिखते ने चूं दस्त अजहमा हीलते दर गुजश्त हलाल अस्त बुद्र ब शमशीरे दस्त। उन्होंने जिहड़े हीले वसीले जिन्होंने असीं कहिंदे रीड्रैसिंग ए रोंग उन्होंने हीला वसीला सिर्फ हाथ की कार तक सीमित करता चूं दस्त ते गुरु पातशाह ने बहुत विशाल दायरा लै लिया चूं कार सारे हीले वसीले। जो सारे हीले वसीले खत्म हो जाते हैं फिर हलाल अस्त बुरदन ब शमशीरे दस्त उदो तलवार की वरतों जायज होती है। टू रेसिंग रोंग किसी भी बुरी चीज को खत्म दे करने वास्ते फिर बल की वरतों करनी पैंदी है। और मैं हैरान है कि जिहड़े लिखारी अज इहदा विरोध कर रहे ने 2004 दे विच वो अपने इनसाइक्लोपीडिया च कह रहे कहिंदे जफरनामा सिखां दी इक एवें दी रचना है जिहड़ी सिखां दे च राजसी शक्ति भर दिंदी है जिहड़ी सिख नूं कहिंदी है कि बेइंसाफी दा मुकाबला हमेशा कृपान नाल कीता जा सकदा जदों सारे ही हीले वसीले खत्म हो जाण। मैं उहनां दीआं 14 किताबां दे अध्ययन कीता उस जफरनामे दा मंडन कर रहे ने अज 10 साल बाद खंडन कीता जा रहा है। अपनी लिखतां ही भुल गईआं शायद। इस तों अगे आ जाइए उस तों अगे आ के गुरु पातशाह कहिंदे ने कहिंदे ने कि औरंगजेब मैं तैनूं एक गल दसनी चाहुंदा। कहिंदे ने कि तेरा शाही काजी मेरे कोल तेरे जी मकत समाप्त हो गया कोई गलत नहीं एक दो मिनट। कहिंदे औरंगजेब तेरा शाही काजी मेरे कोल कुरान लैके आया सी। वह कुरान काजी वली हसन लैके आया सी जिन्हों बाद च बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सोधिया समाणे का रहने वाला। कहिंदे उस कुरान की मैं तेनू गल दसना चाहना तुरा गर बबायद बकौले कुरान बनिसदे शुमारा रसान महवा। जे तू वह कुरान वेखना चाहना है जिदे च तेरी लिखत अज भी मेरे को मौजूद है जिदे ते तू की लिखिया सी कि तशरीफ दर कस्बे कांगड़ कुनद वजा पस मुलाकात बाहम शब्द के गुरु जी तुसी आनंदपुर साहब नूं छड के आओ असी कांगड़ की धरती ते मिलके मुलाकात करके मसलियां नूं हल करांगे। हुण इत्थे ख्याल करियो जिहड़े साडे प्रचारक कहिंदे ने की गुरु धोखे च आ गया की गुरु धोखे च आ सकदा असी कहिंदे मुसलमानां ने धोखा करता कुरान दीआं झूठियां कसमां दे नाल ते जिहड़ा धोखी जी आ गया की गुरु हो सकदा नहीं। पर जे गुरु पातशाह हिंदू धर्म दीआं पहलां गऊ ते गरीब ते जनेऊ दीआं कसमां दे उपर आनंदपुर साहब नहीं छड्डदे उह बाद च धोखे च किवें आ जांदे। कारण की है कारण यह है कि दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च बयान करते हैं मनम कुश्तनम कोहिया पुरफितन के ऊ बुत परस्तन मनन बुत शिकन। कितने ना कितने साडी विचारधारा एक थां ते इस्लाम नाल मिलती है कि असी बुत परस्त नहीं हाँ। इसे करके गुरबाणी ने कहना हिंदू अन्ना तुरकू एक एक वेखण दी उहदी अख हैगी है एक एक अख हैगी है वह एक कादी आ तुहीद की जिन्हों अला यारखा जोगी तो खैर पहला ही कह चुके ने इकबाल साहब बाद च कहिंदे ने वह कहिंदे ना फिर उठी आखिर सदा तुहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया खाब से। वह जिहड़ी तुहीद की अख है वह इस्लाम को हैगी है एक खुदा नूं वेखणा।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਾ ਗਰਬ ਬਾਇਦ ਬਕੌਲੇ ਕੁਰਾਂ ਬਨਿਸ ਦੇ ਸ਼ਮਾਰਾ ਰਸਾਨਮ ਹਾਂ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਤਾ ਤਸ਼ਹੀਦ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੀਦੁੱਦੀਨ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।